बैक फ्रेंड्स, एक नया वीक और एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है सैम वाल्टन, मेड इन अमेरिका। ये वही शख्स हैं जिन्होंने वॉलमार्ट की शुरुआत की और आज वॉलमार्ट इतना बड़ा एम्पायर बन चुका है। इन्होंने सैम वाल्टन बुक, जो इनकी ऑटोबायोग्राफी, उसमें इन्होंने वॉलमार्ट की पूरी जर्नी समझाया हुआ है। इस बुक से मैं उनके टॉप 10 रूल्स बताऊंगा जो वो बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए उन रूल्स को देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको हर हफ्ते एक नई वीडियो समरी मिलेगी। पहला रूल है कमिटमेंट। आपका अपने बिजनेस के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। कई बार लोग बिजनेस से इसलिए शुरू कर देते हैं कि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए होगा, लेकिन इससे आप बिजनेस को बहुत दूर तक लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि जब भी आपको अपने बिजनेस में सेटबैक लगेंगे, फेलियर्स होंगे, उस समय आप डिमोटिवेट होंगे। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस के प्रति कमिटेड हैं, आपको जो काम कर रहे हैं उसमें पैसिनेट हैं और आप अपने बिजनेस को खुद बिलीव करते हैं, दूसरों की वजह उनसे ज़्यादा आप खुद अपने बिजनेस में बिलीव करते हैं कि ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तभी आप उन फेलियर से लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप वही बिजनेस कीजिए जिस बिजनेस में आप पैसिनेट हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी है और जिसपे आप बिलीव करते हैं कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दूसरा रूल है शेयर। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस शुरू कर देते हैं और कई टीम मेंबर्स बना देते हैं, लेकिन वो इतने मोटिवेट होकर काम नहीं कर पाते हैं और वो इतने इंकरेज होकर काम नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक 9 to 5 की तरह जॉब करते हैं, इसलिए क्योंकि हम उनको 9 to 5 वाली बस पेमेंट ही करते हैं। इससे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप उन्हें इंकरेज कीजिए कि वो खुद कंपनी के शेयर्स में से कुछ हिस्सा आप उन्हें देने की कोशिश कीजिए, आप कंपनी के कुछ प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज उन्हें देने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे कि अपने टीम मेंबर्स, अपने कोर टीम को आप अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज देने की कोशिश करेंगे, तो वो इंकरेज होंगे और कई बार वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन आपके लिए परफॉर्म करके देंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप उन्हें ओनरशिप में भी पार्ट बनाइए अपनी कंपनी का, तो ही वो बहुत ज़्यादा इंकरेज होंगे और मोटिवेट होकर काम करेंगे। तीसरा चीज है, मोटिवेट कीजिए आप अपने लोगों को। उसके लिए जो अभी मैंने बताया कि पैसे देकर और ओनरशिप देकर तो आप मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपको कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें चैलेंज दीजिए, उनके लिए हाई गोल सेट कीजिए, उनको इंकरेज कीजिए, उनके बीच में कॉम्पिटिशन कराइए और कई जगह पर वो चैलेंज, वो हाई गोल पूरा करने पर उनको रिवॉर्ड पॉइंट दीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों के लिए वो जॉब एक मोनोटोनस जॉब नहीं रह जाती, एक सिर्फ 9 to 5 जॉब नहीं रह जाती, बल्कि वो उस गोल को अचीव करने के लिए, उस कंपटीशन में आगे निकलने के लिए, वो रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करने के लिए तैयार होते हैं। और यही एक्स्ट्रा आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए जरूरी है कि आप लोगों को मोटिवेट कीजिए, अपने अंदर टीम में जितने लोग हैं उन्हें मोटिवेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आपके टीम में जितने लोग हैं उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश कीजिए, उनसे उनके आइडियाज़ पूछिए कि वो किस तरीके से और बिजनेस में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। सिर्फ अकेले आपके आइडियाज़ से बिजनेस बहुत दूर तक नहीं जाएगा, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर काम करने वाले हर लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। क्या उनके पास कोई नया तरीका है किसी काम को करने का, या वो कुछ नया चीज़ बता सकते हैं जिससे बिजनेस आगे जा सके। और अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, उनके व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपको खुद भी खुद ब खुद बिजनेस में कई नए आइडियाज़ मिल जाएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है अप्रिसिएट करने की कोशिश कीजिए। हम लोग उन्हें ओनरशिप तो दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ महीने में एक बार तो पेमेंट मिलेगा। हमेशा मोटिवेट करने के लिए उन्हें बीच बीच में अप्रिसिएट करने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें ज़रूरत है कि आप अपने टीम को अप्रिसिएट करें। सिर्फ पैसे और ओनरशिप से काम नहीं होगा, उनके एफर्ट के लिए भी उनके अप्रिसिएट करें। जब आप ऐसा करने लगेंगे कि उनके एफर्ट के लिए भी उन्हें अप्रिसिएट करेंगे, तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे बिजनेस में, नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर चीज़ सक्सेसफुल होगा, लेकिन जब वो फेल होंगे तो आपके अप्रिसिएट करने के कारण, आपके एफर्ट अप्रिसिएट करने के कारण वो फिर से नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके कारण वो कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, वो खुद इंकरेज होंगे कुछ नया करने के लिए और आपका बिजनेस खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अंदर रहने वाले टीम मेंबर्स को, अपने बिजनेस पार्टनर को अप्रिशिएट कीजिए। नेक्स्ट तरीका है सेलिब्रेट कीजिए। आपके कंपनी में कुछ भी छोटे से छोटा चीज़ हो या बड़े से बड़ा चीज़ हो, उसे सेलिब्रेट करना जरूरी है और साथ में फेलियर से लर्न
सीखना भी जरूरी है, उसे सीखिए और मूव ऑन कीजिए। उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए कि एक बार फेल हो गए तो अब आगे आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ये तरीका गलत है। आपको फेलियर से सीखना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे बिजनेस में सब सक्सेसफुल होंगे। तो आपको जरूरी है कि बस उससे सीखिए और आगे जाइए, उसे ज़्यादा सीरियस लेने की कोशिश ना कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है लिसनिंग। यहाँ पर यह बात कहा जा रहा है कि आपको आपके ने कस्टमर से सुनना चाहिए, उनका फीडबैक लेना चाहिए, वो क्या कह रहे हैं बिजनेस के बारे में, वो क्या बता रहे हैं आपके बिजनेस में क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि उन लोगों से आप लिसन करने की कोशिश कीजिए जो सबसे ज़्यादा आपके कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, चाहे वो सेल्स पर्सन हो या कोई और हो। उनसे आप पूछिए कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है, क्या वो फीडबैक दे रहे हैं। कई बार आपको अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़े आइडिया आपको अपने कस्टमर के द्वारा ही मिल जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि अपने कस्टमर को प्रॉपरली सुनिए, क्योंकि उनसे कई बार आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगी। उनके फीडबैक आपकी कंपनी के लिए कई बार बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है एक्सीड की। एक्सीड का मतलब यह है कि कस्टमर जितना आपको पैसे दे रहे हैं उससे ज़्यादा की उनको वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं कि आप अपने कस्टमर को उनके मनी से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो लोग आपके पास से ही सामान खरीदने की कोशिश करते हैं, आपको ही रिकमेंड करते हैं। इस चीज़ को मैंने द गो गिवर बुक समरी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये पूरी बुक ही इसी पे बेस है कि आप जब अपने कस्टमर को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो किस तरीके से वो आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने मनी से ज़्यादा लोगों को वैल्यू देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चीज़ है कंट्रोल करने का। यहाँ पर कंट्रोल का मतलब है कि अपने एक्सपेंस को प्रॉपरली मैनेज कीजिए। आप इस तरीके के इफ़िशियंट सिस्टम बनाइए जिससे आपके एक्सपेंस कम हो और आप अपने कंपटीशन से आगे निकल जाए। इस काम को इंडिगो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से करती है, वो अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती है। इसीलिए एयरलाइन इंडस्ट्री में इंडिगो इतना बड़ा नाम बन चाहिए, क्योंकि वो अपने एक्सपेंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना जानती है। और आपको भी यही काम करना पड़ेगा, आपको ऐसे सिस्टम बनाने पड़ेंगे जिसके कारण आपके एक्सपेंस कम हो कि आप अपने कंपटीशन से एक स्टेप अहेड निकल जाए, जिसके कारण आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है और भी कई बेनिफिट हो जाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम को इतना अच्छा बनाइए कि आपके एक्सपेंस कम से कम हो। नेक्स्ट चीज़ जो है वह है स्विम अप स्ट्रीम। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता चाहिए, अल्टीमेट सक्सेस चाहिए, तो आपको कन्वेंशनल तरीका ढूंढ छोड़कर आपको कुछ यूनिक चीज़ ट्राई करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अभी तक आपके बिजनेस में किसी ने नहीं किया, या आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा स्पेसिफिक कस्टमर के लिए जो आपने बाकी कस्टमर के लिए नहीं किया। आप इसे ऐसे समझिए कि अमेजॉन पूरी दुनिया में पहले पैसे लेता है फिर सामान डिलीवर करता है, लेकिन जब उसने इंडिया में देखा तो उसने यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम निकाला, उसने कन्वेंशनल तरीका अपना छोड़ा, उसके कारण ही वहाँ अमेजॉन आज इंडिया में सक्सेसफुल है। इसी तरीके के कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो इस तरीके के काम करते हैं। आपको कई ऐसे कन्वेंशनल तरीके ढूंढने पड़ेंगे। सैम वॉल्टन ने भी इन तरीकों को अपनाया था, इसी कारण आज वॉलमार्ट इतना सक्सेसफुल। तो ये कुछ 10 रूल थे जो सैम वॉल्टन बताते हैं कि आपको समझना पड़ेगा और अपने बिजनेस में अप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे क्वेरा पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए कंक्लूजन देख सकते हैं। पहला चीज, आपको अपने बिजनेस के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए, आपको अपना प्रॉफिट दूसरों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अपने टीम के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, सेलिब्रेट करना पड़ेगा उनके सक्सेस को और उनके फेलियर को समझना पड़ेगा और उन्हें इंकरेज करना पड़ेगा कि वो फिर से काम करें। उसे इनको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कस्टमर का सुनना पड़ेगा, उनको लिसन करना पड़ेगा, उनके फीडबैक लेने पड़ेंगे। आपको अपने कस्टमर के मनी से ज़्यादा आपको उनको वैल्यू देना पड़ेगा, जितना वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे ज़्यादा आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। आपको अपने एक्सपेंस को कंट्रोल रखना पड़ेगा जिसके कारण आप कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। आपको कन्वेंशनल तरीका छोड़ के कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा जिसके कारण आपका बिजनेस आगे सक्सेसफुल हो सकता है। ये कुछ 10 तरीके थे जो सैम वॉल्टन अपनी बुक में बताते हैं जिसके कारण वो वॉलमार्ट को इतना बड़ा बना सके। आप भी इन तरीकों को अपना के अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको सैम वॉल्टन बुक से बताई है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल और लाइक कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब इतना नहीं करते। थैंक यू।